बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान रुचि ब्लॉग में। मैं हूं आपकी दोस्त अंजू और आज मैं आपको दिखाऊंगी दुर्गा पंडाल, क्योंकि हम सभी लोग जा रहे हैं वर्ल्ड के सबसे बड़े पंडाल में। और ये पंडाल लखनऊ में बना हुआ है। कहां पर है, कैसा है, क्या है, हम आपको पूरा दिखाएंगे। आप सभी लोग हमारे ब्लॉग पे बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। तो अभी तो हमारी तैयारी चल रही है, सब लोग तैयार हो रहे हैं, बच्चे भी तैयार हो रहे हैं, तो अभी हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी तो हम लोग जाएंगे, फिर आपको वहां का पूरा नज़ारा दिखाएंगे। बस आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। आयुष्मान भी जा रहे हैं हमारे साथ और इनकी तबीयत अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और ये कल से स्कूल भी जाएंगे। आज इनको हम पहले हम दुर्गा पूजा पंडाल घुमा के लाते हैं और उसके बाद इनको कल सुबह से हम स्कूल भेजेंगे। स्कूल जाओगे ना कल से? सब लोगों की तैयारी हो गई है और फटाफट से हम लॉक कर देते हैं, लॉक वॉक लगा कर हम लोग निकलेंगे, क्योंकि टाइम हो गया है और हमें दूर भी जाना है। तो ये हम बस लॉक कर चुके हैं और अब हम लोग घर से निकल रहे हैं। हम लोग पहुंचने वाले हैं तो हम लोग गेट के पास आ गए हैं। अभी हम गाड़ी में ही हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत जाम लगा हुआ है और हमको यहाँ पहुँचने में 2 घंटे लग गए हैं। ये जो पंडाल लगा हुआ है ये जानकीपुरम में लगा हुआ है, पॉलिटेक्निक चौराहे के पास। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं, देख सकते हैं। अभी हम लोग पंडाल के पास नहीं पहुँच पाए हैं, अभी पंडाल थोड़ा सा आगे है, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। अब हम लोग पहुँचने वाले हैं, बस आ गए हैं, थोड़ा सा दूरी पर है, बहुत जाम लगा हुआ है यहाँ पर और हम लोग रात के समय आए हुए हैं, रात के 9 बज रहे हैं। यहाँ पर लाइटिंग बहुत ज़्यादा है, दूर से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर पंडाल लगा हुआ है, बना हुआ है और बहुत अच्छी सजावट है। दूर से देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और अभी हम पास से भी देख लेते हैं कि यहाँ का क्या नज़ारा है। दोस्तों भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ आकर हमने देखा है कि यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि फोटोग्राफी नहीं हो सकती है, आप अपने मोबाइल को वीडियो मोड पर रखिए, वीडियो बना लीजिए, लेकिन यहाँ पर फोटोग्राफी नहीं हो सकती, आप एक जगह पर खड़े होकर के फ़ोटो नहीं खिंचवा सकते क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। और मुझे तो इतना डर लगा कि मैंने पहले ही बोल दिया कि मुझे अंदर नहीं जाना है क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी और भीड़ देख के मुझे बहुत डर लगने लगा क्योंकि बच्चे भी मेरे साथ थे। तो प्लीज़ आप लोग अगर आएँ यहाँ तो बच्चों का ज़रूर ध्यान रखें, हाथ पकड़ कर ही रखें उसको, बच्चों को बिल्कुल भी ना छोड़ें क्योंकि अगर इतनी भीड़ में बच्चा कहीं गुम हो गया तो मिलना मुश्किल है। हो सकता है दिन के समय यहाँ भीड़ कम होती हो, लेकिन हमने तो यहाँ रात में आकर देखा है कि यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है। ये हम 9:30 बजे का वीडियो शूट कर रहे हैं, 9:30 बजे के करीब यहाँ पर बहुत भीड़ है और साइड में झूले भी लगे हुए हैं जहाँ पर बच्चे झूल रहे हैं। बच्चों का मनोरंजन तो होगा अच्छे से, लेकिन यहाँ पर बस भीड़ की वजह से थोड़ा दिक्कत आ सकती है और तो बाकी बहुत अच्छा है। ये एक बड़ी पार्क है जहाँ पर ये पंडाल लगा हुआ है। ये हम लोग आ गए हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर बहुत भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि बच्चों को लेकर अगर आएँ तो बच्चों का हाथ बिल्कुल नहीं छोड़िए। आप लोग देखिए कितनी भीड़ है। जो पंडाल है ये पूरी तरह से प्रेम मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर कृष्ण भगवान की झांकियाँ हैं, उनकी लीला के बारे में पूरा दिखाया गया है, हर जगह की फ़ोटो हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि बाहर से पूरा भगवान कृष्ण जी का फ़ोटो ही लगा हुआ है, कृष्ण राधा जी की फ़ोटो हैं। अब हम अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं, देखते हैं क्या है अंदर, अंदर भी हम आपको पूरा दिखाएँगे, शायद अंदर भी झांकी ही होंगी, दुर्गा पूजा की भी झांकियाँ होंगी। तो आप सभी लोग देखते रहिए पूरा, हम आपको पूरा दिखाएंगे। अच्छा तो बहुत लग रहा है, यहाँ पर ऊपर भी बहुत अच्छी लाइटिंग हुई है, लाइट अच्छी सी लगी हुई है, सजावट काफ़ी अच्छी है और कहते हैं कि इसको थर्माकोल से बनाया गया है। तो हम अंदर आ गए हैं, लेकिन अंदर उस तरह से भीड़ नहीं है, यहाँ पर पार्टीशन पड़े हुए हैं, जेंट्स के लिए अलग है और लेडीज़ों के लिए अलग है, तो बीच में बल्ली लगी हुई हैं जिसके सहारे से लेडीज़ एक साइड हो जाती हैं और जेंट्स एक साइड चलते हैं। तो अंदर का सिस्टम सही है, बस बाहर ही बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो अंदर हम आ गए हैं और अंदर आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हमने देखा है कि माता जी की पूजा आराधना भी की जा रही है, दुर्गा माता की आरती हो रही थी उस टाइम जिस टाइम हम आए हैं। Thank you.
माता की आरती हो रही थी और आगे हम बढ़े हैं तो हमने यहाँ पर देखा है भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही सुंदर झांकी बनी है, जहाँ पर ये वस्त्र हरण करने के टाइम की ये फोटो है। तो आप लोग देख सकते हैं कदम के पेड़ पे भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं और गोपियाँ सारी नीचे जल में स्नान कर रही हैं। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा दृश्य है। और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, ये साइड साइड से सब झांकियाँ ही लगी हुई हैं। आगे हम बढ़े हैं तो भगवान श्री कृष्ण नौका विहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये प्रेम मंदिर है तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की पूरी लीला का वर्णन किया गया है, पूरी कृष्ण जी की झांकियाँ दिखाई गई हैं। तो ये नौका विहार करते हुए भगवान श्री कृष्ण की झांकी है। तो देखिए कितनी सुंदर झांकी है और झांकियाँ इतनी सुंदर बनी हुई हैं कि एकदम नज़र नहीं हटती। लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है तो हम लोग ज़्यादा देख नहीं पाए हैं, बस चलते चलते ही जितना देख पाए हैं उतना देख पाए हैं। बस मोबाइल हमने वीडियो मोड पे रखा है तो ये वीडियो शूट हो गई है पूरी। आप लोग देख सकते हैं कि ये ऊपर का है जहाँ पर लाइट लगी हुई है और लाइटिंग बहुत ही प्यारी लगी हुई है। यहाँ पर तितलियाँ बत्तख वगैरह बनी हुई हैं और इसी में लाइट जल रही है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। रात के समय आएंगे अगर तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बस रात में आपको थोड़ा ज़्यादा भीड़ मिलेगी। और आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की झांकी है, रासलीला की झांकी है ये। तो आप लोग देख सकते हैं कि गोपियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं और भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की कितनी बढ़िया सी जो मूर्ति लगी हुई है, बहुत सुंदर मूर्ति है। ऐसे लग रही हैं ये सारी मूर्तियाँ, ऐसी लग रही हैं कि जैसे आपस में बातें करने वाली हैं, क्योंकि ये बहुत सुंदर झांकियाँ हैं। और एक बार आप लोग आइए यहाँ पर और देखिए। और ये कृष्ण जी की झांकी है, कालिया दहन करते हुए समय की है ये। तो ये झांकी भी बहुत सुंदर है। कुल मिलाकर यहाँ पर जितनी भी झांकियाँ हैं बहुत ही अच्छी झांकियाँ हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कालिया मर्दन के समय का ये जो चित्र है वो दिखाया गया है और बहुत सुंदर झांकी ये भी है। यहाँ की जितनी झांकियाँ हैं सब बहुत सुंदर हैं। अभी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रुकने नहीं देते हैं, भीड़ ज़्यादा होने की वजह से तुरंत ये आगे बढ़ने के लिए बोल देते हैं। और ये हम आ गए हैं अपनी लास्ट झांकी पे, ये है निधिवन। ये सबसे लास्ट झांकी है जहाँ पर निधिवन है कृष्ण जी की झांकी। बहुत सुंदर ये भी है, आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। निधिवन की बहुत ही सुंदर ये झांकी है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें ग्रीन लाइट लगी हुई है तो ये और भी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। कृष्ण राधा जी की ये फोटो बहुत अच्छी है। ये जो मूर्तियाँ लगी हुई हैं कृष्ण राधा की, तो बहुत सुंदर सुंदर से यहाँ पर मूर्तियाँ हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि हिरण का भी मूर्ति लगी हुई है, हिरण की। और ये प्रेम मंदिर है जो कि ये यही मंदिर है, बाहर से जो हमने आपको दिखाया है थंबनेल पे जो आपने देखा है वो यही मंदिर है। और इसका थोड़ा सा फोटोग्राफी करके इन लोगों ने यहाँ पे लगा रखा है, प्रेम मंदिर उत्सव महोत्सव लिखा हुआ है इस पे। और अब हम बाहर की तरफ निकल आए हैं, यानी एक साइड से हम गए थे और दूसरे साइड से हम बाहर की तरफ आ गए हैं। और यहाँ पर बहुत सारी दुकानें भी लगी हुई हैं। अब हम बाहर से आपको थोड़ी भीड़ दिखा देते हैं यहाँ की, कि ये प्रेम मंदिर के पंडाल के बाहर की जो सीन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने लोग हैं और बिल्कुल पैर रखने की भी जगह नहीं है। आप नज़र उठा के देखेंगे तो हर तरफ आपको लोगों की भीड़ ही भीड़ नज़र आएगी। और यहाँ पर डेकोरेशन का सामान भी बहुत सारा है, धूप बत्ती वगैरह भी यहाँ पर मिल रही हैं क्योंकि दिवाली आ रही है। तो दिवाली को देखते हुए, फेस्टिवल को देखते हुए यहाँ पर धूप बत्ती, मोमबत्ती और बहुत सारी जो घर में सजावट की सामान होती है वो सारी यहाँ पर बिक रही हैं। अभी तो लोग ले भी रहे हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ देख रहे हैं और देख के चले जा रहे हैं। और ये सब सामान है जो ये हाथों से बना हुआ डेकोरेशन का सामान है तो इधर ये लगाए हुए हैं। और बहुत कम ही लोग खरीद रहे हैं, जिनको ख़रीदना है वो ख़रीद भी रहे हैं और जिसको देखना है वो लोग देख भी रहे हैं। ये सब शुभ दीपावली के जो भी बैनर वगैरह रहते हैं तो ये सारे यहाँ पर बिक रहे हैं। बहुत ज़्यादा महंगा सामान भी नहीं है, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले भी सकते हैं। लेकिन अधिकतर तो लोग यहाँ पर घूमने के लिए ही आए हैं और घूम के ही जा रहे हैं, कुछ लोग शॉपिंग कर रहे हैं। और कपड़े भी हैं यहाँ पर, बनारसी साड़ियाँ भी हमें देखने को मिली हैं। और ये साड़ियाँ बहुत महंगी नहीं हैं, 300-300 की साड़ियाँ हैं। तो लोग आते हैं, रेट पूछ के जा रहे हैं, तो हमने भी कुछ ख़रीदा नहीं है, बस देख रहे हैं। बिटिया को हमारी ये पसंद आया था, शुभ दीपावली का जो झालर लगती है गेट पर, तो पसंद आई थी। लेकिन उन्होंने खोल के दिखाया है तो मुझे ये अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने भी नहीं लिया है। पैकेट में बंद थी तो अच्छी लग रही थी। और आयुष्मान को मोमोज खाने थे तो यहाँ पर
मोमोज मिल रहे हैं 50 के 5, 10 रुपए का एक मोमोज है, और लैया चना भी लगाए हुए हैं, भेलपूरी जिसको कहते हैं। तो भेलपूरी हम लोगों ने नहीं ली है, आयुष्मान के लिए मोमोज एक प्लेट ली गई थी और एक प्लेट इनकी मौसी ने ली है, तो दोनों लोगों ने एक एक प्लेट मोमोज लिया है और इन लोगों ने मोमोज खा के देखा है। तो हाँ, मोमोज भी टेस्टी हैं। और आगे भी देखते हैं, यहाँ पर भुट्टे भी बिक रहे हैं, स्वादिष्ट भुट्टे, अमेरिकन जो भुट्टे होते हैं वो भुट्टे भी यहाँ पर मिल रहे हैं, जिसको खाना है वो लोग खा रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, मलाई केक वगैरह भी मिल रहा है, लस्सी बिक रही है, मिठाइयाँ बिक रही हैं, जलेबी वगैरह भी यहाँ पर बिक रही हैं। और इस समय दिवाली का सीज़न आ रहा है, तो डेकोरेशन का सामान सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, जो भी झालर वगैरह होती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें यहाँ पर दिखाई दी हैं। हमने कुछ ख़रीदा नहीं है, बस हम घूम घाम के ही आ गए हैं, क्योंकि हमें कुछ लेना नहीं था, इसलिए हमने कुछ ख़रीदा नहीं है, बस देख वेख के चले आए हैं। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आके। तो ईयरिंग वगैरह भी हैं यहाँ पर, तो बिटिया देख रही हैं ईयरिंग, अगर इनको लेना होगा तो ये ले लेंगी, लेकिन थोड़ा भारी में है तो मुझे लग रहा है कि इनको पसंद नहीं आएंगी ये ईयरिंग। और ये जो गेट पे लगती हैं झालर, वही झालर हैं, तो गेट पे लगाने वाली झालर बहुत सुंदर सुंदर हैं। तो आप लोग को अगर शॉपिंग करनी है तो आप लोग यहाँ से आ कर के दिवाली की शॉपिंग भी कर सकते हैं। और ये मलाई केक है, तो मलाई केक कुछ इस तरह से पैक हो के रखा हुआ है और ऐसे ही बिक रहा है। और यहाँ पर नारियल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में लगे हुए हैं, चूड़ियाँ, अच्छी अच्छी चूड़ियाँ भी मिल रही हैं, बच्चों के साइज़ की चूड़ियाँ हैं, बड़ों के साइज़ की चूड़ियाँ हैं, तो चूड़ियाँ भी मिल रही हैं यहाँ पर। सबसे ज़्यादा हमें नारियल देखने को मिला है, और जो झालर हमने बताई डेकोरेशन की, वो झालर बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। और बाद में सब लोगों ने आइसक्रीम खाई है, आइसक्रीम खाते हुए हम सभी लोग बाहर की तरफ निकल आए हैं। हम लोग घूम चुके हैं, अंदर सब देख लिए हैं, और 1 घंटा लगा है हमको घूमने में पूरा। हमने प्रेम मंदिर भी 1 घंटे के अंदर देख लिया है, और जो बच्चों को खिलाना पिलाना था वो भी हमने खिला पिला दिया है। और घूम घाम के हम लोग निकल रहे हैं, आ रहे हैं, तो बाहर की तरफ हमने देखा है कि रास्ते में भी बहुत सारे बैलून वगैरह लगे हुए हैं, जो आयुष्मान को पसंद थे, तो आयुष्मान ने एक बैलून यहाँ से ले लिया है। ये जो लाइट वाला बैलून आप लोग देख रहे हैं, ये आयुष्मान को बहुत पसंद था, तो इन्होंने ज़िद की और एक बैलून ले लिया है। और हम लोग आइसक्रीम खाते हुए घर की तरफ चले आए दोस्तों। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।